Hello friends, so welcome to this video, and today we are going to learn how to write academic IELTS writing task 1. हमारे कुछ friends हैं जिनको IELTS writing task 1 में confusion होती है और वो ज़्यादा concentrate इस पर नहीं करना चाहते. उनको लगता है कि वो writing task 2 में अच्छा band score करके writing task 1 को complement कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है. If you write your task 1 better, that will complement your writing task 2. तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए. इस वीडियो को देखने के बाद आप एक इफेक्टिव तरीके से IELTS writing task 1 को लिखना सीख जाओगे and you will have no confusion. हर एक बात को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए ताकि कोई भी confusion ना हो. जब भी आप IELTS writing task 1 लिखने की कोशिश करो, you have to take care of few things. वहां पे कुछ खास चीजों का आपको ख्याल रखना होता है. नंबर वन, आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो आपको राइटिंग टास्क वन दिया है वो किस टाइप का है. इट इज ए बार ग्राफ, इट इज ए पाई चार्ट, इट इज ए टेबल एंड सो ऑन. तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बार ग्राफ के बारे में. और जब आप IELTS राइटिंग टास्क वन लिखना शुरू करो तो आपको क्या करना है, टास्क स्टेटमेंट को जरूर अच्छे से पढ़ें और समझें. यहाँ पे हमारी टास्क स्टेटमेंट क्या कहती है, द बार ग्राफ बिलो शोज. जो बार ग्राफ है, नीचे दिया गया बार ग्राफ है, वो क्या शो करता है, द एक्सपेंडिचर इन मिलियन पॉन्ड्स. एक्सपेंडिचर हुआ है मिलियन पॉन्ड्स में, किस पर, ऑन फास्ट फूड आइटम्स. फास्ट फूड की आइटम्स पे, कहाँ पे, यूके में. ठीक है, अगर आपको टास्क स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है उसके लिए आप तीन वर्ड्स का यूज कीजिए, व्हाट, वेयर एंड व्हेन. व्हाट इट इज अबाउट, ये किस चीज के बारे में है, एक्सपेंडिचर ऑन फास्ट फूड. वेयर, कहाँ पे है, यूके में है, प्लेस का पता लग गया. अब रह गया एक, व्हेन. व्हेन इन 1990, तो 1990 की ये बात है. तो सबसे पहले आप अपनी टास्क स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, उसके फीचर्स को जानने की कोशिश कीजिए. ट्राई टू स्पेंड 1 or 2 minutes. दिस टाइम यू मे बी इन योर क्लासरूम और यू मे बी एट होम and you want to practice, so what you have to do, you have to practice understanding task 1, and if you practice understanding task 1, I guarantee you things will be easy for you. So yahan pe hamare paas kuch keywords hain, expenditure in millions mein expenditure hue hain, aur jo hamari currency unit hai wo kya hai, pound hai. Dusra fast food items hain, aur UK mein ye baat hui hai, aur kab, 1990 mein. ये की फीचर्स हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिए हैं कि इनके बारे में हमें बात करनी है. अब जब हम उस बार ग्राफ को स्टडी करेंगे, आगे हमें बहुत सी चीजों का ख्याल रखना है. तो यहाँ पे दोस्तों हम अपने बार ग्राफ पर आ गए हैं. यहाँ पे देखिए तीन फास्ट फूड आइटम्स हैं, हमबर्गर्स, फिश एंड चिप्स और पिज्जा. तीन फास्ट फूड आइटम्स हैं, इनको ध्यान से देखिए. और तीन इनकम ग्रुप हैं, हाई इनकम, एवरेज इनकम और लो इनकम. राइट, अब तक हमने दो चीजें आइडेंटिफाई की हैं. पहली है कि तीन फास्ट फूड आइटम्स हैं, हमबर्गर्स, फिश एंड चिप्स, पिज्जा. ओके, तीन ही हमारे पास यहाँ पे इनकम ग्रुप्स हैं. पहला इनकम ग्रुप है हाई इनकम वाला, दूसरा है एवरेज इनकम और तीसरा है लो इनकम. बात हमने स्टेटमेंट में पढ़ी थी, जो खर्चा हुआ है मिलियन पॉन्ड्स में हुआ है. तो ये जो यूनिट है, ये जो लाइन है, ये हमें बताती है एक्सपेंडिचर के बारे में, किस करेंसी में हुआ है. राइट, जब आप ग्राफ को रीड करोगे, किसी भी टाइप का हो, चाहे वो बार हो, चाहे किसी भी टाइप का हो, उसमें आपको की फीचर्स जानने होंगे. यहाँ पे हमने कुछ चीजें देख ली हैं, फास्ट फूड आइटम का पता लग गया, लोगों की एवरेज इनकम ग्रुप, तीन एवरेज इनकम ग्रुप यहाँ पे दिए गए हैं, और 50 मिलियन तक यहाँ पे ये अपना बार जाता है. सबसे पहले बात करते हैं हमबर्गर की. हमबर्गर देखिए, यहाँ सबसे ज्यादा खर्चा किया है किसने किया है, हाई इनकम पीपल ने. उसके बाद किसने किया है, एवरेज इनकम वालों ने. लेकिन सबसे कम खर्चा किसने किया, लो इनकम वालों ने. ठीक है, जो एवरेज हाई इनकम वाले लोग हैं और जो एवरेज इनकम वाले लोग हैं, वो एक ओवरऑल बात का क्या पता लगता है कि वो फास्ट फूड पे ज्यादा खर्चा करते हैं. जो लो इनकम वाले हैं वो फास्ट फूड पर कम खर्चा करते हैं. यहाँ पे एक चीज और देखिए, जो लो इनकम वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा किस चीज पे खर्चा करते हैं, हैमबर्गर पर और फिश पर. ठीक है, वैसे तो देखो लो इनकम ग्रुप में सबसे ज्यादा
हाई इनकम और एवरेज इनकम वाला करते हैं, लेकिन अगर हम कंपैरिजन की लैंग्वेज में देखें तो जो सबसे ज्यादा पैसा वो खर्च करते हैं वो किस पे करते हैं, फिश पे करते हैं अपने हिसाब से, और जो हाई इनकम वाले हैं और एवरेज इनकम वाले हैं वो सबसे ज्यादा खर्चा किस पे करते हैं, हैमबर्गर पर। उसके बाद किस पर करते हैं वो, देखिए यहाँ पे पिज्जा पर। ओके, उसके बाद किस पे करते हैं, पिज्जा पर करते हैं, राइट। सो ये की फीचर्स आपको अपने इस टास्क में डिस्क्राइब करने हैं, आपको इंफॉर्मेशन को रीड करना आना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम इसको अच्छे से कंपाइल करते हैं, राइट। देखिए अब हमने जो हमारी फ्रेज होती है, जो स्टेटमेंट होती है, उसी को पैराफ्रेज करना होता है। हमने क्या लिखा, द गिवन बार ग्राफ इल्यूस्ट्रेट्स, वहां पे सोर्स था, यहाँ पे हमने इल्यूस्ट्रेट कर दिया, डाटा ऑन द एक्सपेंसेस मेड बाय द यूनाइटेड किंगडम सिटीजन, यूनाइटेड किंगडम के लोगों के द्वारा फॉर फास्ट फूड इन 1990, 1990 में फास्ट फूड पर जो उन्होंने खर्चा किया है वो दिखाया है। ओके, इट कैन बी क्लियरली सीन दैट, यह क्लियरली देखा जा सकता है कि पीपल हु हैड हाई इनकम, पीपल हु हैड हाई इनकम, जो लोग ज्यादा पैसा कमाते थे, स्पेंट, स्पेंट की सेकेंड फॉर्म, स्पेंट मोर मनी ऑन द ऑन फास्ट फूड फूड्स, जो हाई इनकम वाले लोगों ने पैसे ज्यादा पैसे खर्च किए किस पे, फास्ट फूड पे। आगे क्या कहता है, एंड द हैमबर्गर वॉज द मोस्ट कंज्यूम्ड फास्ट फूड अमंग हाई एंड एवरेज अर्निंग पीपल, जो हैमबर्गर है वो एवरेज अर्निंग वालों ने और हाई इनकम वालों ने ज्यादा खाया, वहां पे उन्होंने ज्यादा पैसा खर्च किया है। आगे क्या कहता है, द पीपल हु हैड हाई इनकम कंज्यूम्ड मोर फास्ट फूड आइटम्स, जो हाई इनकम वाले हैं उन्होंने ज्यादा फास्ट फूड आइटम को खर्च किया। हैमबर्गर वॉज द मोस्ट प्रीफर फास्ट फूड आइटम्स फॉर द एवरेज एंड हाई इनकम पीपल, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है। उसके बाद मोर देन 40 मिलियन पाउंड्स वर एक्सपेंस्ड, 40 मिलियन से ज्यादा जो पाउंड है वो खर्च किए गए बाय हाई इनकम पीपल इन दिस सिंगल फास्ट फूड आइटम। सिंगल फास्ट फूड आइटम क्या, हैमबर्गर पे सबसे ज्यादा हाई इनकम वाले लोगों ने खर्चा किया। टू अदर पॉपुलर फास्ट फूड आइटम्स अमंग द हाई अर्निंग पीपल वर पिज्जा एंड फिश, जो हाई अर्निंग वाले लोग थे उनके उनके जो दो और पॉपुलर आइटम्स थी, फास्ट फूड आइटम थी, वो क्या थी, फिश एंड पिज्जा, जिनपे उन्होंने कितना किया, हाई अर्नर्स ने कितना खर्च किया, 15 मिलियन के करीब। ओके, इन 1990 अमंग द एवरेज अर्निंग पीपल, जो एवरेज अर्निंग लोग हैं उन्होंने, द सेकेंड मोस्ट फेवरेट फास्ट फूड आइटम वॉज फिश एंड चिप्स, जो दूसरी उनके बीच में सबसे फेवरेट फास्ट फूड आइटम थी वो क्या थी, फिश और चिप थी, उन्होंने 25 मिलियन पाउंड इस पे खर्च किए। वाइल पिज्जा वॉज द लीस्ट पॉपुलर, जो पिज्जा है ना सबसे कम पॉपुलर था अमंग द पीपल ऑफ लो इनकम, जिनकी जो कमाई है वो लो थी उनके बीच पिज्जा बहुत ही कम पॉपुलर था। दे प्रीफर्ड, उन्होंने क्या किया, दे प्रीफर्ड फिश और चिप्स एंड हैमबर्गर ओवर पिज्जा, उन्होंने पिज्जा की बजाय चिप्स, फिश और हैमबर्गर खाना ज्यादा पसंद किया। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट हमने यहाँ पे कंपाइल कर दी है। इस तरीके से आप एक इफेक्टिव 7+ बैंड वाला, इवन 8 बैंड वाला राइटिंग टास्क 1 बड़े आराम से लिख सकते हो। चलिए दोस्तों एक बार और इसके की फीचर्स को हम देखेंगे ताकि आपको लिखने में ज्यादा इश्यू ना आए। मान लो आपको कोई भी राइटिंग टास्क 1 समझ में नहीं आता, तो वहां पे क्या करना है, आपको की फीचर्स को सिलेक्ट कीजिए। ओके, अगर आप की फीचर्स को सिलेक्ट कर लोगे तो आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी। एक की फीचर्स ये है दोस्तों, ओके, दूसरा की फीचर ये है दोस्तों, ओके। और देखो लिखना हमने तकरीबन हर किसी के बारे में है, ये एवरेज इनकम वाले लोग हैं, ये लो इनकम वाले लोग हैं दोस्तों, लो इनकम वालों में सबसे पॉपुलर क्या है, फिश एंड चिप्स है, ठीक है, लेकिन अगर कंपेयर करें दूसरों के मुकाबले तो ये बहुत कम है। और यहाँ पे देखिए जो हाई इनकम वाले लोग हैं वो फिश में कम इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने हैमबर्गर और पिज्जा को ज्यादा प्रीफर किया है, जबकि लो इनकम वाले लोग हैं उन्होंने पिज्जा को बहुत कम पसंद किया, उन्होंने हैमबर्गर और किसको ज्यादा पसंद किया, फिश और चिप्स को, ठीक है। अगर
मिडल इनकम एवरेज इनकम वाले लोगों की बात करें, उनके बीच में दो मोस्ट पॉपुलर आइटम क्या हैं, हैमबर्गर एंड चिप्स, उनका भी इंटरेस्ट पिज्ज़ा में कम है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप बड़े आराम से अपने टास्क में डिस्क्राइब कर सकते हो। हाँ, कोशिश कीजिए आपका जो टास्क है 180 वर्ड्स तक ही कंपाइल हो, ज़्यादा वहाँ पे इंफॉर्मेशन को एग्जेजरेट ना करने की कोशिश ना करें। ओके, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट की फीचर्स, और वो की फीचर्स आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। और दूसरा, यूनिट नहीं आपकी मिस होनी चाहिए। जैसे हमारे पास है हैमबर्गर, फिश, चिप्स एंड पिज्ज़ा, इसके बारे में आपको बात करना जरूरी है। हर एक के बारे में जरूर लिखिए, चाहे एक लाइन आपको लिखनी पड़े, हर एक के बारे में जरूर लिखिए। और जो चीज़ें, जो मेन फीचर्स होते हैं, जैसे हाई इनकम हो गया, एवरेज इनकम हो गया या लो इनकम हो गया, इसका जिक्र भी आपको करना है। और जब करेंसी की बात करेगी, अकॉर्डिंग टू योर टास्क स्टेटमेंट, वहाँ पे करेंसी को भी आपको मेंशन करना है। दिस वे यू विल बी एबल टू राइट एन इफेक्टिव राइटिंग टास्क वन। इस तरीके से आप बड़े आराम से राइटिंग टास्क वन को लिख पाओगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, इस वीडियो ने आपको एक क्लियरिटी प्रोवाइड किया, जिससे आप अपना राइटिंग टास्क वन बड़े आराम से लिख पाओगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू इट नाउ, बिकॉज वी विल ब्रिंग मोर एक्साइटिंग एल्स वीडियोज फॉर यू, सो वी कुड हेल्प यू गेट बैंड 7 एंड मोर। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।